फाइव चैप्टर्स थे और नॉमेनक्लेचर इंक्लूडेड थी, बट अभी नेक्स्ट टाइम फिर आपको सारे आएंगे। देखो टर्म टू में कितना सारा थ्योरी पार्ट हो जाएगा, टर्म टू वाला सिलेबस ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। चलिए लेट्स डिस्कस द सेट ए फर्स्टली। सेट ए फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्वड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, सो यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। दोनों के सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई करने थे, मोल फ्रैक्शन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और सिमिलरली आपने मोलैलिटी निकालनी थी, ठीक है। तो थ्योरी का न्यूमेरिकल पार्ट है तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, दैट इज द D1 0.167 एंड 11.11, दैट इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ये सिंपली हो जाने थे 8 ओवर NaOH का जितना भी आपका मास आएगा, ठीक है, ओवर 8 ओवर NaOH का मास प्लस 18 ओवर 18, तो यहाँ से आपकी मोल फ्रैक्शन आ जानी थी एंड मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, 8 है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर और मास ऑफ दी सॉल्वेंट इन केजीज, तो वो 18 गिवन था आपको, ओके। तो ग्राम्स में था तो आपने उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना था एंड दैट वाज वेरी वेरी इजी न्यूमेरिकल। 7.5 ग्राम्स ऑफ गैस ऑक्यूपाई, साइमल्टेनियसली डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी साइड था आपका अमाउंट ऑफ शुगर दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर्स ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। आपको मोलैलिटी गिवन थी, मोलैलिटी गिवन थी आपको और आपको वॉल्यूम गिवन थी, तो आपने सिंपली मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको डायरेक्टली गिवन थी 2 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स में भी आपको मास जो था वो आपने निकालना था, गिवन मास मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लेना था C12H22O11 से, तो यहाँ पे वो मोलर मास आ जाना था, यू हैव टू फाइंड दिस, ये भी आपको गिवन था 0.1, तो सारे कॉम्पोनेंट्स गिवन थे, सिंपली आपने कैलकुलेशन पार्ट देखना था। तो इसका करेक्ट आंसर है 68.4, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेट बी, ओके। नेक्स्ट ऑल्सो न्यूमेरिकल्स हैं तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बता देती हूँ इसके। 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना था और आंसर आपका आना था आई गेस 30 ग्राम, तो 30 ग्राम्स के अकॉर्डिंग किसका मास बनता है NO का, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली सेट बी में आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे, किस किस में है, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन है, तो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, ओके। नेक्स्ट है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन, तो अगेन न्यूमेरिकल है तो आपको कैलकुलेशंस तो पूरी करनी पड़ेंगी तभी आंसर्स मिलेंगे इनके। सो सेट ए में जो आपका करेक्ट आंसर था दैट वाज बी CH4N, ओके, और सेट बी का आपका करेक्ट आंसर था CCl2O। तो ये तो पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर्स आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेट ए का फोर्थ क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन, तो इसमें सिंपली आपने क्या करना था, 91.2 को 4 से डिवाइड कर देना था, हीलियम का पूछा है उन्होंने, हीलियम पॉजिटिव आयन का, सो यू विल बी गेटिंग बी ऑप्शन एज द आंसर 228 नैनोमीटर। और दूसरी तरफ भी सेम क्वेश्चन था, ट्रांजिशन दी हुई है आपको, सेम फॉर्मूला जो यहाँ पर आपने अप्लाई किया है वही दूसरी साइड अप्लाई करके N2 और N4 के लिए आपने निकालना था। रेडबर्ग वाला फॉर्मूला याद है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई, आपको N2 भी दिया हुआ है, NF, N2 कह लो NF कह लो जो भी आपके इनिशियल और फाइनल, ठीक है, 4 और 2 गिवन थे, आपने रेडबर्ग का फॉर्मूला अप्लाई करके और इसमें वेवलेंथ जो थी वो निकाल लेनी थी, बट आंसर्स आपने नैनोमीटर्स में निकालना था तो कन्वर्जन करनी पड़ेगी आपको फर्दर, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था ए 486 नैनोमीटर। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर एज ए।
सेट ए का फिफ्थ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं आपसे, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में। अब प्रैक्टिकल्स में भी आप आ रहे हो, आपको प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जा रहा है कॉन्फ़िगरेशन, सिंपली कॉन्फ़िगरेशंस पूछी जा रही थी आपसे, एंड यू पीपल वर नॉट एबल टू राइट द सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस। कोबाल्ट की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो पहले कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। आर्गन 18, एटॉमिक नंबर 27 है। बोलती रही मैं कि ये पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बेटा, क्योंकि यही 10 एलिमेंट्स आपके सिलेबस में थे अभी इस बारी। दैट इज 3d7 4s2, ठीक है जी। तो ये कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, हमने 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। तो 3 पॉजिटिव यानी कि हम 24 कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो यू आर लेफ्ट विद 3d6। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके बचते हैं 4, 1, 2, 3, 4। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ का आंसर बनता है आपका सी। और दूसरी तरफ आपसे पूछा गया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Mn2 पॉजिटिव में, तो मैंगनीज है Mn2 पॉजिटिव, मैंगनीज की 25 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनानी थी हमने, ठीक है जी। और 2 पॉजिटिव लिखनी है तो ये 2 निकाल दो बस। 3d5, इसमें 5 जो हैं वो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इसका आंसर करेक्ट है डी। सो सेट बी का फिफ्थ का आंसर बनता है करेक्ट डी। देन सिक्स्थ क्वेश्चन फ्रॉम सेट ए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब आप देख सकते हो सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा। मैग्नीशियम में भी अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो 12 से वो भी 10 पे आ जाएगा। सोडियम का 11 है, O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 8, 8 + 2 = 10, ठीक है। तो सोडियम के 11 है, O2 नेगेटिव के कितने हैं, O2 नेगेटिव के कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, 10 बनते हैं। Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव के बनते हैं 10, O नेगेटिव के बन जाते हैं 9, तो अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं आया है। N3 नेगेटिव के बन जाते हैं 8 और Cl नेगेटिव के बन जाते हैं 18, तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। तो 6 का जो पेयर बनता है डेट इज A। और दूसरी तरफ आपने सिर्फ उनको साइज के अकॉर्डिंग जो था वो अरेंज करना था, इंक्रीजिंग साइज। आपको पता है एनायन जितना बड़ा होगा उतना ही उसका साइज होगा, ठीक है। तो पहले छोटे साइज का कौन होगा, क्लोरीन, क्योंकि 1 नेगेटिव चार्ज है, फिर सल्फर 2 नेगेटिव, फिर फॉस्फोरस। तो द करेक्ट आंसर वॉज ए। और मैक्सिमम बच्चों के, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के assertion reason से पहले पहले वाले जो questions है ना वो गलत है maximum students के, और इतने easy हैं ये, पता नहीं कैसे आपको ये tough लग गए। दूसरी तरफ है the shape of SF6 common shape है जो आपको पता नहीं है, कितनी बारी हमने की हुई है SF6 की शेप, ऑक्टाहेड्रल कितनी बारी बोल ली है मैंने। ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डायपोल मूवमेंट, H2S की ज्योमेट्री बतानी है आपने। वाटर नहीं किया हमने H2O, ऑक्सीजन की जगह सिर्फ यहाँ पे सल्फर लगा दिया है। जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही H2S का स्ट्रक्चर है, बेंट है, यहाँ पर बेंट वर्ड नहीं यूज किया हुआ है उन्होंने, एंगुलर वर्ड यूज किया हुआ है। एक एंगुलर वर्ड था, एक लीनियर वर्ड था। क्या आपको ये स्ट्रक्चर लीनियर लग रहा है, सीधा है ये, नो, बेंट है, दैट मींस किसी एंगल पे है, एंगुलर स्ट्रक्चर है।
क्या इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होगी? अब जैसे वाटर की निकालते थे हम वैसे ही निकाल लेंगे, डायपोल मोमेंट हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेके चलते हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगी। सेम इसका केस है, यहाँ पर भी आपके कुछ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगी। सो सेवेंथ का आंसर था बी फॉर द सेट बी, एंगुलर है और नॉन जीरो है इसकी डायपोल मोमेंट। एट्थ में आपने बताना था कि किसमें दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम पे, तो ये आप वेस्पर थ्योरी का भी आइडिया लगा सकते थे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते थे। सो ऑप्शंस हैं BrF5, ClF3, HCF4 एंड SF4। तो इसमें से ये दोनों जो थी वो आपकी करेक्ट आंसर्स थे। क्लोरीन 7, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग देख लो 7+3 10/2 5, पांच सेंट्रल एटम्स होने चाहिए थे, बट कितने लगे हुए हैं? पांच जो हैं वो साथ में इलेक्ट्रॉन्स लगे होने चाहिए थे, बट एक्चुअली कितने अटैच हैं? 3। तो यानी कि यहाँ पे दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने देख लेना था। अगेन HCF4 भी सेम कैटेगरी में आएगा, HCF4 8+4/2 12/2 that is 6। यहाँ पे 4 लगे हुए हैं फ्लोरीन, एक्चुअल में 6 होने चाहिए थे, तो 6-4 is 2। तो ये दोनों आपको दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे आपने बताना था कि कौन से इसमें से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। C2 2- is expected to be diamagnetic, ये आपको पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। O2 2+ is expected to have longer bond length. Then O2 again आपने bond length देख लेनी थी, N2+ and N2-, क्योंकि bond length जो है वो bond order पे depend करती है, जितना ज्यादा bond order होगा उतनी कम bond length होगी, ठीक है? तो आपने O2 2+ और O2 की दोनों का bond order check करना था और वहां से bond length देखनी थी। N2+ and N2-, have same bond order, ये भी आपने देख लेना था पहले molecular orbital structure बना के, right? तो 8th का जो आपका आंसर है That is A, first and third statements they are correct, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि C2 2- diamagnetic है और N2+ and N2-, जो है उनका same bond order, okay? So coming to the next 9th question, match करना था आपने BeCl2. BeCl2 is the example of incomplete octet. ठीक है, BeCl2 का एग्जाम्पल था इनकम्प्लीट ऑक्टेट का। NO इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये हमने लिमिटेशंस की थी ऑक्टेट रूल की, तो उसमें से है ये। BF3 का जो डाइपोल मोमेंट है डेट इज जीरो, एंड PF5 का एक्सटेंडेड ऑक्टेट है। 5 × 10 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे ना PF5 में, 5 × 10 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ऑक्टेट में 8 होने चाहिए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बनता है डी। सिमिलरली दूसरी साइड 9th का सेम है, आपने मैच करना था उनकी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो किसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन रही है? SF4 की हाइब्रिडाइजेशन थी, SP3D, IF5 की पता होनी चाहिए आपको, दैट इज SP3D2, NH4+ की है आपकी SP3, और XEF6 की थी SP3D3। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज C। तो आपने सिंपली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया था आपने वो लगाना था और आंसर आ जाना था आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 इज करेक्ट, तो इसका सिंपल आंसर है फर्स्ट,
जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की जो एनर्जी है वो सेम है, ठीक है। पहले पाई 2py लिखा जाएगा, फिर सिग्मा 2pz लिखा जाएगा, देन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। सेट ए का 9th क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हुआ है, डी है, ठीक है। 10th में जो करेक्ट ऑर्डर है आपका दैट इज बी, अगेन सेम है, पहले सिग्मा आएगा फिर पाई आएगा फिर पाई स्टार्स आएंगे, तो ये तो हमें पता ही है कि सिग्मा की एनर्जी कम होती है, ठीक है। 11th क्वेश्चन दैट वाज सिंपली फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये गलत है, और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से उठाया है डायरेक्टली। हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स की और दूसरी तरफ निकल की पूछी है। कोबाल्ट अमोनिया की है D2SP3 ऑक्टाहेड्रल, दैट इज द ए आंसर इज करेक्ट, ये सेट बी है। और दूसरी तरफ निकल की पूछी है, दैट इज DSP2 स्क्वायर प्लेनर, एज इट इज बॉक्स में एनसीईआरटी में मेंशन है और एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है आपने, ये देख लो अब। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, जिसमें आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज बतानी है O2, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पर भी सिंपली आपको पहले सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सबके लिए, ठीक है। सो डी करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। और दूसरी तरफ भी आपको पूछा गया है कि जब O2 2 नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में ऐड हो रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल्स में। तो अगेन आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का वो स्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं MOT का, और उसमें से देखते कि किस ऑर्बिटल में अब जो नए इलेक्ट्रॉन्स हैं दो वो ऐड हो रहे हैं, तो दैट विल बी पाई स्टार ऑर्बिटल। तो यहां पर 12th का आंसर बन रहा था बी। नेक्स्ट 13th रिडॉक्स का था, रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, उसमें से आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसमें आपको मल्टीपल आंसर्स थे, तो यहां पर बी करेक्ट ऑप्शन बन रहा था, जिसमें आपको ये बता रहे हैं हम कि S2O3 2 नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और I2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए, आप तभी तो इसका आंसर दे सकोगे। सिमिलरली ऑन द सेकंड साइड आपसे ये पूछा था कि इसमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर था 1st and 3rd। ओके, सो ऑप्शन बनता है आपका सी। ये तो सिंपल है, सोडियम जो है वो NaOH में चेंज हो रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो जा रही है, यानी कि वाटर में से जो वाटर ने ऑक्सीजन दे दी तो वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये। और थर्ड में भी आप देख सकते हो अमोनियम क्लोराइड और NaOH है, तो वो NaCl बना है, एडिशन हुई है Cl की, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन की एडिशन हुई, ठीक है। सिमिलरली 14th क्वेश्चन दोनों तरफ बैलेंसिंग वाला था, ठीक है, तो बैलेंसिंग जब आप करोगे यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर। 14th की बैलेंसिंग का ए आंसर था और दूसरी तरफ भी ए आंसर था, तो ये तो आपने जब बैलेंसिंग करोगे आपको तो भी ये क्लियर होगा। 15th में ऑन द बोथ साइड्स यू हैव टू मैच देयर ऑक्सीडेशन नंबर, किसका कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा था आपने उससे मैच करना है। अब जैसे कि KMnO4 है, इसमें से आपने मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी आपसे, पोटेशियम की 1 होती है, मैंगनीज की पूछी है -4 to 8 = 0, तो ये +7 बनती है, ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाता है 2। सिमिलरली H3PO4 की जो स्टेट बनती है आपकी वो 5 बनती है, ठीक है ना, कैसे बनती है 5, H3PO4 ये 3 है, इसकी HCl लेनी है 4 to 8, तो आप देख सकते हो
एट में से थ्री जाएंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद फाइव, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका बनता है सी। इसका करेक्ट आंसर बनता है सी। और दूसरी तरफ जो करेक्ट आंसर है, ऐसे ही आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है सबकी, दैट इज सी। ठीक है जी। नेक्स्ट में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था, तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है जो रिडक्शन करता है, तो यहाँ पर क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि पहले क्लोरीन Cl2 था, फिर उसमें H ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। वेरी सिंपल, फिर भी पता नहीं क्यों इतना आपको लग रहा है, करके नहीं गया क्वेश्चन। ये वाले पार्ट के क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी अटेम्प्टेशन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ 16th का आंसर है डी। देन आ जाती है आपकी ऑर्गेनिक, तो सेट ए में 17th है एल्डिहाइड। क्लियरली पता चल रहा है सीएचओ ग्रुप है, तो डैट इज एल्डिहाइड, सी इज द करेक्ट आंसर। 18th डाइथाइल कीटोन, कितनी बड़ी किराया है, दोनों तरफ सेम सेम ग्रुप से पेंटेन 3-ओन था डाइथाइल के, तो ए इज द करेक्ट आंसर, पेंटेन 3-ओन इज डाइथाइल कीटोन। दोनों तरफ आपने इथाइल ग्रुप्स अटैच करने थे। हाँ जी ठीक है। हाँ जी क्लियर बेटा। डाइथाइल की टोन का फॉर्मूला बनाना है बस, CH3CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH2CH3, दैट इज डाइथाइल की टोन। पेंटेन है, पांच की चेन है, थर्ड पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, तो पेंटेन 3-ओन बन जाना था इसमें। 19th में इथाइल अमीन पूछा है आपसे, वेरी इजी, बी इज द इथाइल अमीन। 20th में मिथाइल मिथेनोएट पूछा है, एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ भी आपने मिथाइल ग्रुप ही अटैच करना था, ठीक है, तो डैट इज द करेक्ट आंसर इज डी, HCOCH3। सिमिलरली सेट बी का 17th का करेक्ट आंसर था बी, आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछा है COR, दे आर एस्टर्स, इथेनॉल का कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड, बी इज द करेक्ट आंसर। कितनी बारी बताया है आपको इथेनॉल का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इथाइल साइनाइड, इथाइल यानी कि आपने इथाइल ग्रुप देखना था और उसके साथ सी ट्रिपल बॉन्ड एन देखना था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मिथॉक्सी प्रोपेन, सो डैट इज CH3OCH3C7, सो डैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। एक तरफ मिथॉक्सी ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप लगा, दूसरी तरफ प्रोपेन लगा है, दैट वॉज वेरी वेरी क्लियर। ये तो इतना क्लियर था, ये ईथर्स थे ROR, तो नेक्स्ट किसी भी ऑप्शन में ईथर नहीं है, और RCOR दूसरी ऑप्शन में एस्टर है, एक में एसिड डाला हुआ है और एक में एनहाइड्राइड्स डाले हुए हैं, तो सिंपल पता चल रहा था कि यही है ईथर्स। नेक्स्ट इज assertion रीजनिंग questions हैं, तो ये मैं सिंपली आपको आंसर्स बता देती हूँ इसके बस। फॉर द सेट ए 21st का ए है, 22nd का डी करेक्ट आंसर है, 23rd का सी, 24th का बी वॉज द करेक्ट एंड 25th का ए वॉज द करेक्ट। और सिमिलरली ऑन द सेट बी 21st का सी इज द करेक्ट, 22nd का ए, 23rd का बी, 24th का ए एंड 25th का बी, ठीक है जी। अब आपका मैक्सिमम जो आपने अटेम्प्ट किया है और जिसमें से
आपने पासिंग मार्क्स स्कोर किए हैं. दिस पोर्शन वॉज अटेम्प्ट बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसी में ही आप मार्क्स स्कोर करके गए हो. और पहले वाला पार्ट भी इतना इजी है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों आपको ये इतनी प्रॉब्लम आई इसमें. कोई क्वेश्चन जो आपको लग रहा है अभी तक जो आपने डिस्कस करना है? सुना भी होता आपने मुझे क्लास में और थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत की होती ना तो ये सेक्शंस भी आपसे अटेम्प्ट हो जाना था. चलिए एनीवेज अब तो हो गए. KClO3 on decomposes to give KCl and O2 on heating. The volume of O2 at NTP liberated. तो ये भी सिंपल था, न्यूमेरिकल था आपका. तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ए. लिमिटिंग रिएजेंट का ये न्यूमेरिकल था, ठीक है. और दूसरी तरफ भी आपसे कॉपर ऑक्साइड का मास पूछा था तो उसका भी आंसर है बी. देन आपसे पूछा था कि कौन सा इसमें से टर्म जो है वो यूनिट लेस है, जिनके कोई यूनिट्स नहीं है. मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों के यूनिट्स होते हैं. मोल ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, नो यूनिट्स. मास परसेंट ऊपर भी मास ले रहे हो नीचे भी मास ले रहे हो, कोई यूनिट्स नहीं है. तो बी वॉज द करेक्ट आंसर. और दूसरी तरफ आपको क्वेश्चन पूछा था 27. 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो सिंपल मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल था कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने सेम मॉलिक्यूल्स हैं किस किस के. तो इसमें दो ऑप्शंस बन रहे थे, सी वाज द करेक्ट वन. ठीक है, तो सी में आपको थर्ड एंड फोर्थ गिवन है. मैग्नीशियम, नॉट मैग्नीशियम, 14 ग्राम ऑफ एन टू एंड 1 ग्राम ऑफ एच टू. तो इन दोनों के सेम नंबर बन रहे थे मॉलिक्यूल्स. देन 28 में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे गए थे दोनों में, दैट वाज वेरी वेरी इजी. तो इसका आंसर बन रहा है डी. और इसका भी आंसर बन रहा है डी. 4.8046. बीच वाली जीरो हम काउंट करेंगे तो ये 5 बन रहे थे. ये वाली जीरो हम नहीं काउंट करते हैं तो ये 3 बन जाते हैं. ये सारे काउंट होंगे तो ये 4 बन जाते हैं. अगेन ये जीरो हमने काउंट नहीं करनी है तो ये आपको 2 देंगे. तो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगेन कॉन्फ़िगरेशन का न्यूमेरिकल था कि इसमें से आपने बताने थे किसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे. कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो वहां से आपको पता चल जाना था. 29th का सी इज द करेक्ट आंसर. उधर भी 29th का सी इज द करेक्ट आंसर. उसमें से भी आपको सेम इलेक्ट्रॉन्स ही पूछे हैं. फिर आपसे पूछा था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में. यू मस्ट बी नोइंग FON. कितनी बारी मैंने रिपीट किया FON, फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था डी. और इधर आपसे पूछा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव रिटन फ्लोरीन, बट अगर आपने बुक्स में अच्छे से देखा होता तो आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, क्लोरीन की जो नेगेटिव है ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. रीजन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है वो छोटा है और क्लोरीन का साइज जो है वो बड़ा है, इसीलिए क्लोरीन जो है वो जल्दी एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स. स्मॉलेस्ट आयन इसमें से, तो स्मॉलेस्ट आयन वही होगा जिसमें जिसका सबसे ज्यादा चार्ज होगा. तो सबसे ज्यादा चार्ज सिलिकॉन पे है 4 पॉजिटिव का. दैट वाज द करेक्ट आंसर. दूसरी तरफ आपने आयनिक रेडियस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना था तो 31st का ए बन रहा है. N3 नेगेटिव, N9 का साइज ज्यादा है, फिर O2 नेगेटिव आ जाएगा, फिर F नेगेटिव आ जाएगा, फिर Na पॉजिटिव आ जाएगा. बाकी कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी. इसमें से अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कल बता देना. ओके okay?